हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बेसिस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला है BBMQ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 जिनका सेशन 22 से 26 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेजर पेपर 6 जिनका पॉलिटिकल सेंस है। आप सभी को पता है कि इसका बुक आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा और कहीं ऐसा चैनल भी नहीं जहाँ पे इसका तैयारी करवाया जाता होगा, ठीक है। तो हम आप सभी को तैयारी करवाएंगे, बशर्ते आपको एक काम करना है मेरे लिए कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े, तो हम भी हम देख सकें कि हाँ अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं। उसके बाद आपको सारा क्वेश्चन आंसर का तैयारी करवाया जाएगा इसी प्रकार से MJ 7 का और MJ 8 का, ठीक है। तो हम देखेंगे कि क्या क्या इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम इसका सिलेबस को, उसके बाद देखेंगे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ठीक है, और फिर इसका आंसर करवाएंगे, ठीक है। देखिए BBMQ यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 जिनका सेशन 22 से 26 है, ये हम MJ 6 पॉलिटिकल साइंस का बात कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे फिर क्वेश्चन। देखिए पहली इकाई में आपको पढ़ना है सार्वजनिक नीति का परिचय, जैसा कि सार्वजनिक नीति का अर्थ, फिर सार्वजनिक नीति का अलग अलग सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इकाई नंबर 1 हो गया, इसके अंतर्गत आपको 2 टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इकाई नंबर अगर मैं 2 की बात करूँ तो इकाई नंबर 2 में आपको पढ़ना है सार्वजनिक नीति का डिजाइन और कार्यान्वयन, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो पढ़ना आपको नीति डिजाइन क्या है, कौन कैसे और क्यों, इसके बारे में पढ़ना है। नीति निगरानी उपकरण और तकनीकी के बारे में पढ़ना है। सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन में नीति कार्यान्वयन, विकेंद्रीकरण और स्थानीय सरकार, ये सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको पढ़ना है डी नंबर राज्य क्षमता निर्माण, ठीक है, राज्य क्षमता निर्माण, ये हो गया आपका। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे भी हम लोग देखेंगे इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सार्वजनिक नीति मूल्यांकन, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना मूल्यांकन के लिए सिद्धांत और मूल्यांकन के तरीके और तकनीकी। यूनिट 4 में आपको पढ़ना नागरिक पहल और जवाबदेही, मनरेगा, रिपोर्ट कार्ड, RTI, ठीक है, सिटीजन चार्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये सब आपको पढ़ना है। एंड यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है भारत में सार्वजनिक नीति का मूल्यांकन, जैसे खाद्य नीति हो गया, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, स्वस्थ और स्वास्थ्य नीति जैसे स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, गरीब के लिए आवास, शिक्षा नीति, सर्व शिक्षा अभियान, उच्च शिक्षा नीति, पर्यावरण नीति इत्यादि, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है। तो पहला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सार्वजनिक नीति के बारे में, आप क्या समझते हैं, या तो फिर सार्वजनिक नीति के अर्थ और इसका सिद्धांतों का वर्णन करें, या तो फिर क्वेश्चन दे सकता है कि लोग नीति के अर्थ और प्रकार बताइए और इसकी व्याख्या कीजिए। देखिए दोस्तों सार्वजनिक नीति दे दे या तो फिर आपको दे दे लोक नीति, बात एक ही पड़ता है, सार्वजनिक नीति या तो फिर लोक नीति, दोनों एक ही है। तो देखिए ज़्यादा ये डिफरेंट नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर लगभग लगभग एक ही जैसा है, तो हम एक आपको आंसर बताएंगे उसी में सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सार्वजनिक नीति से आप क्या समझते हैं, चाहे क्वेश्चन ऐसे दे दे या तो क्वेश्चन ऐसे दे दे कि सार्वजनिक नीति के अर्थ और इसका सिद्धांतों का वर्णन करें, या तो फिर लोक नीति के अर्थ और प्रकार बताएं और इसकी व्याख्या करें, ये लगभग लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम एक आंसर बताएंगे आपको, ठीक है, कि सार्वजनिक नीति से आप क्या समझते हैं, ठीक है, उसी में आपका चाहे इस तीनों में से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन दे दे आपको आंसर सेम लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला सार्वजनिक नीति मूल्यांकन के तरीके और तकनीकों का वर्णन करें, ठीक है। सार्वजनिक नीति के जो मूल्यांकन के तरीके हैं और तकनीकों, इसका वर्णन करना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है 3 सार्वजनिक नीति मूल्यांकन के सिद्धांतों का वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद 4 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, आने आपको RTI के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में पढ़ लेना है, मनरेगा के बारे में पढ़ लेना है, रिपोर्ट कार्ड के बारे में पढ़ लेना है, ये सब चीज़ आप परिचित हैं पहले से ही, ठीक है, आंसर करवाएंगे बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। 5 आपको पढ़ के जाना भारत में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का वर्णन करें, ठीक है। 6 आपको पढ़ के जाना कि भारत में स्वच्छता अभियान और आयुष्मान भारत पर एक निबंध लिखें, हो सकता है कि सिर्फ इतना ही दे दे कि भारत में स्वच्छता अभियान पर एक निबंध लिखें, या तो भारत में आयुष्मान भारत पर एक निबंध लिखें, अलग अलग भी दे सकता है, दोनों एक ही में भी दे सकता है, ठीक है। उसके बाद 7 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, हो सकता है गरीबों के लिए आवास पर एक निबंध लिखने दे दे, या सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं, या तो फिर उच्च शिक्षा नीति क्या है, या तो फिर पर्यावरण नीति क्या, इस में से किसी पर भी आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, जो कि मैं आपको करवाऊंगा तभी जब देखेंगे स्टूडेंट लोग अधिक से अधिक जुड़े हैं, आप वीडियो को शेयर किए हैं, ठीक है, तभी मैं आगे आपको आंसर भी करवाऊंगा और इसी प्रकार से MJ 7 और MJ 8 का करवाऊंगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद जय भारत।